हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल EMC IQ में। मैं सुरेंद्र कुमार इस चैनल पर आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक शब्द। तो आपने पहले सुना होगा भौतिक रसायन, भौतिक विज्ञान के बारे में सुना होगा। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि भौतिकी या फिजिक्स होती क्या है। तो मैंने यह टॉपिक लिखा है भौतिकी। तो हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा के भौतिक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। उसी प्रकार फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फूसियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यह प्रकृति और प्राकृतिक दोनों आपस में मेल खाता है। तो उसी प्रकार यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। तो आज जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम दो प्रकार से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक जो शास्त्रीय भौतिक, दूसरी जो आधुनिक भौतिक। शास्त्रीय भौतिक जो होती है जिसमें हम बल, ऊर्जा, कार्य, विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हम आधुनिक भौतिकी जो आज हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर हम सापेक्षता एवं क्वांटम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आगे हम भौतिक की बात करते हैं कि ये भौतिकी होती क्या है, होती क्या है। तो आप जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी का जवाब हमें भौतिकी देती है। तो आपने अपनी छोटी कक्षाओं में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में सुना होगा। तो रसायन विज्ञान हमें परिणाम के बारे में बताती है, जबकि जीव विज्ञान हमारे शरीर की संरचनाओं के बारे में बताती है। लेकिन कार्य कैसे होता है, चीजें कैसे कार्य करती है, इन सबका हमें जवाब एक भौतिकी देती है। तो जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो आप किसी कार को चलते हुए देखते हैं तो आपके मन में यही सवाल उठता होगा कि ये कार चलती कैसे होगी। एक छोटा सा ब्रेक उस कार को कैसे नियंत्रित कर लेता है। तो ये सभी का जवाब हमें भौतिकी देती है। और भौतिकी हमें चीजों को समझने में मदद करती है, जैसे कि एक छोटा सा आकाश गंगा से लेकर एक छोटे से परमाणु तक का कैसे कार्य करते हैं, ये क्या होते हैं, इन सब का जवाब हमें भौतिकी देती है। तो भौतिकी के अंतर्गत बल, कार्य, ऊर्जा, स्थिर वैद्युतिकी, चुंबकीय बल, ये सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि ये कैसे कार्य करते होंगे। भौतिकी हमें अवगत कराती है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे कार्य करता होगा, कि बिना आग के रॉकेट कैसे उड़ता होगा, सड़क पर कार कैसे चलती होगी, हवाई जहाज कैसे उड़ता होगा। तो ये सभी का जवाब हमें भौतिकी देती है। इसी प्रकार आपने बहुत बड़े वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के बारे में सुना होगा और उनके बल नियम को भी सुना होगा। जो बल नियम होता है अब बराबर एमए, तो मैं आपको उसके उनके समीकरण लिख के बताता हूँ। अब बराबर एमए, यह हमें द्रव्यमान, बल और त्वरण के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो यही हमें बल कैसे कार्य करता है ये समीकरण हमें बताती है। उसी प्रकार आपने महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना होगा, जिन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा के बीच एक महत्वपूर्ण समीकरण दी, E बराबर MC स्क्वायर। इसी से आज हम द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। और सर आइंस्टीन को हमारे इस भौतिकी का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस नियम के द्वारा बहुत कुछ हमें अवगत कराया है। तो आज ये सभी समीकरण हमें इस भौतिकी को समझने में मदद करती है और चीजों को समझने में साथ साथ उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है उसको मदद करती है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आज आप बात कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, तो ये किसके कारण संभव हुआ, भौतिकी के कारण संभव हुआ। आज आप एक जगह से दूसरी जगह मात्र कुछ समय में चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, हवाई जहाज के कारण चले जाते हैं, जो हमें भौतिकी ने अवगत कराया। आज अगर ये सब नहीं होगा, अगर आज आप ये सब कर रहे हैं, अगर भौतिकी नहीं होगी तो इनके बारे में कल्पना करना भी हमारे लिए कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि हम इनके बिना कुछ भी नहीं है। आज भौतिकी नहीं होगी तो हम इनके बिना कल्पना ही नहीं। तो ये था आपकी भौतिकी के बारे में। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल EMC IQ को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ हमारे प्रकृति के कुछ बल है उनके बारे में बताऊँगा।